हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपक पंत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी उत्तराखंडी। हम यहां पर उत्तराखंड से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं और दोस्तों आज की जो यह वीडियो है यह हम सभी के लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में सहायक वन परीक्षक परीक्षा 2019 की विज्ञप्ति जारी हो गई है। जी हाँ, आज 30 जुलाई 2019 को UKPSC के थ्रू सहायक वन संरक्षक परीक्षा की विज्ञप्ति जारी हो गई है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है 20 अगस्त 2019 और इसमें परीक्षा शुल्क भी जमा करने की अंतिम तिथि है 20 अगस्त 2019। यहाँ पे आपको ऑनलाइन ही फॉर्म भरने होंगे। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ इसमें और इस नोटिफिकेशन में क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए, यह लिखा हुआ है कि आवेदन पत्र अत्यधिक संख्या में प्राप्त होने की दशा में विज्ञापन के परिशिष्ट एक में उल्लेखित शहरों के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर एक प्रारंभिक स्क्रीनिंग परीक्षा का आयोजन 29 सितंबर 2019 को किया जाना प्रस्तावित है। मतलब अगर आप अभी समय मान के चलें तो आपके पास लगभग 2 महीने का समय है इस प्रारंभिक परीक्षा के लिए, और यह मान के तो चलिए कि आवेदन पत्र बिल्कुल अत्यधिक संख्या में ही मिलेंगे। यहाँ पे जो टोटल पोस्ट हैं वो देखिए, आप टोटल पोस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल जो पोस्ट हैं आपकी 45 हैं, जिसमें अनारक्षित हैं 25, अनुसूचित जाति के लिए 9 पोस्ट हैं, उसके बाद अनुसूचित जनजाति 1, अन्य पिछड़ा वर्ग 6, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आपकी 4 पोस्ट हैं। तो आप देखिए 29 सितंबर 2019 को पेपर संभावित है, आगे भी पेपर जा सकता है। यहाँ पे जो वेतनमान 56,100 रुपए से लेके 1,77,500 तक मिलेगा। यहाँ पे देखिए जो अधिमानी अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं हैं, वह अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं यानी एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या हैं? सहायक वन संरक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से निम्नलिखित में से कम एक विषय के साथ विज्ञान स्नातक, प्रौद्योगिकी स्नातक अथवा अभियांत्रिकी स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त उपाधि प्राप्त होना आवश्यक है, जिसमें कृषि, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर विज्ञान, अभियांत्रिकी, कृषि, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल या पर्यावरणीय विज्ञान, साथ वनिकी, भूविज्ञान, उद्यान विज्ञान, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी, पशु चिकित्सा विज्ञान या प्राणी विज्ञान, इसमें आपका क्या होना चाहिए? स्नातक की डिग्री यानी ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे आपकी जो एज लिमिट है वह 21 साल से लेके 42 साल तक है। अब आप अपनी स्क्रीन पर देखते रहिए, यहाँ पे जो आपके देखिए ये है बिल्कुल, यहाँ पे आप देखें न्यूनतम शारीरिक मानक पुरुष के लिए 163 सेंटीमीटर ऊंचाई और महिला के लिए 150 सेंटीमीटर ऊंचाई। सीने के गहरा आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ पे देखते रहिए, आपको आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगा। जबकि अनुसूचित जाति गोरखा नेपाली इनके लिए आपकी थोड़ा सा उसमें कंसेशन दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर सीधी भर्ती में पुरुष अभ्यर्थी के मामले में 25 किलोमीटर व महिला अभ्यर्थी के मामले में 14 किलोमीटर की दूरी पैदल चलकर 4 घंटे में पूरी करना अवश्य हुआ, यानी आपको पढ़ने के साथ साथ अपने फिजिकल पे भी बहुत ध्यान देना होगा। तो यहाँ पे आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ आवेदन आपको कैसे करना है। दोस्तों आपको आवेदन करना है आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर जाकर। तो दोस्तों आप अगर इसकी तैयारी करना चाहते हैं UKPSC की, तो आपको गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर उत्तराखंड से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं और उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी करवाते हैं। यहाँ पे जो आपकी फीस है वह अनुसूचित जनजाति इनके लिए 60 रुपए है, उत्तराखंड शारीरिक विकलांग के लिए कोई शुल्क नहीं है, उसके अलावा सभी शुल्क 150 रुपया जो कुल मिलाकर 173 रुपया 60 पैसा बन जाता है। यहाँ पे देखिए मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार भी होगा, जिसमें मुख्य परीक्षा में आपको हिंदी प्रश्न पत्र में न्यूनतम 35% अंक लाने जरूरी होंगे। अब मैं दोस्तों आपको यहाँ पे सिलेबस दिखा देता हूँ। अब आपकी स्क्रीन पर आपको सिलेबस दिखाया जा रहा है। तो दोस्तों देखिए, यह जो आपका यहाँ पे परीक्षा योजना है वह 3 क्रम में होगी। पहला प्रारंभिक परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप की, उसके बाद मुख्य परीक्षा लिखित प्रकार की, और मौखिक परीक्षा यानी व्यक्तित्व यानी इंटरव्यू आपका होगा। जो आपका यहाँ पर सामान्य अध्ययन प्रारंभिक परीक्षा है उसमें सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा वस्तुनिष्ठ का 150 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे 150 नंबर के, लेकिन आपको समय मिलेगा मात्र 2 घंटे। उसके बाद जो मुख्य परीक्षा आपके यहाँ पे कुल मिला के 5 प्रश्न होंगे, प्रश्न पत्र होंगे। पहला हिंदी अनिवार्य होगा, उसके बाद द्वितीय सामान्य अंग्रेजी वो अनिवार्य हो गया, सामान्य ज्ञान तृतीय अनिवार्य होगा, उसके बाद आपके 2 वैकल्पिक विषय होंगे, प्रथम वैकल्पिक विषय और द्वितीय वैकल्पिक विषय, इनके 200 मार्क्स होंगे जबकि उनके आपके 100 मार्क्स होंगे। इसके बाद साक्षात्कार होगा आपका
75 मार्क्स का सामान्य हिंदी में आपको न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अब हम चलते हैं यहाँ पे सिलेबस की तरफ। सिलेबस में देखिए जो आपका नॉर्मल आपका यूकेपीएससी का सिलेबस होता है वही सिलेबस यहाँ पे है। प्रश्नों की संख्या आपका देखिए जो है टोटल 150 नंबर के हैं, जिसमें आपके सामान्य अध्ययन के 100 प्रश्न हैं। उसके बाद जो रीजनिंग है सामान्य अभिरुचि वो आपका 50 मार्क्स की है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, खेलकूद एवं मनोरंजन, भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, ये नॉर्मल सी चीजें आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए, नहीं तो आप इसको आयोग की वेबसाइट से जाकर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि यदि आप इस परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। इसी आशा में कि आप उत्तराखंड में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे। मैं मिलता हूँ आपसे दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।